हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 ईयर बेबी गर्ल की ड्रेस की कटिंग। तो आप देख सकते हैं, मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, ये साटन का अस्तर है। आप इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लीजिएगा, जैसे मैंने इसमें दिखा रही हूँ, आप वैसे ही फोल्ड कीजिएगा। और इसको आप वन साइड अपनी तरफ रखें और यहाँ पर आप कमर का मेज़रमेंट लेंगे, तो आपकी जो भी कमर हो उसको 4 में डिवाइड कर लीजिएगा। तो मेरी 26 कमर है और मैं इसमें आपको 4 में कैसे डिवाइड करती हूँ ये भी बताया हो, तो 26 का आधा कीजिए, इसके बाद 13 आएगा उसमें भी उसका आधा कर लेना है। उसके बाद आप उसमें जो उसका मार्जिन आएगा उसमें आप अपना 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं, आप जैसा चाहें उसके अकॉर्डिंग। मैंने इसमें 1.5 इंच का ही लिया है लूजिंग, आप चाहें तो 2 इंच की भी लूजिंग ले सकते हैं। तो जैसे मैं उसमें दिखा रही हूँ, तो उसका आप वहीं से कमर का मेजरमेंट ले लीजिए, 4.5 का आ रहा है, तो आप वहाँ से आप अपने हिसाब से 4.5 से राउंड शेप में कर लीजिएगा ऐसा। अब मैं यहाँ से टॉप पार्ट की लेंथ हटा के बाकी जो भी लेंथ आ रही है मैं उसका हाफ करके पूरा राउंड शेप कर दूँगी। मेरी फुल लेंथ 27 थी, तो मैंने उसका टॉप पार्ट हटा के उसका 17 का घेर लिया हुआ है ऐसे। तो आप भी अपना टॉप पार्ट का जो भी लेंथ हो उसको हटा के तो आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। देख सकते हैं आप कि मैंने ये पूरा 70s पे कर्व कर लिया है, ये पूरा राउंड शेप आ गया है। और अब आप हम करेंगे इसकी कटिंग, तो आपको देखिए जैसा आपका जैसा ये शेप इसमें लिखा है आप सेम वैसे ही कटिंग कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कटिंग कर ली है, तो ये कुछ इस तरह से इसका घेर आएगा। ये देखिए, इसको इसे फोल्ड करके रख दिया है। अब मैं इसके टॉप पार्ट मेजरमेंट, अब इसका मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करूँगी। तो आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने 2 मीटर लिया है, तो इसको भी जैसे मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया था अस्तर को, आप इसको भी ऐसे ही 4 फोल्ड में फोल्ड कर लीजिएगा। ये देखिए, आप सेम ऐसे ही फोल्ड करके आप उसका जो अभी आपने अस्तर कटिंग किया था इसको इसके ऊपर रख के उसका मेज़र ले लेंगे अपन। तो इसको इस टाइप में करके ले लेंगे, सेम पॉपर्स को सेट कर लेंगे अपन। इससे जमा लीजिएगा उसको, कहीं सब सलना है तो उसको ऐसा जमा लीजिएगा, प्रॉपर सेप कर देंगे इसे, उसका निशान लगा लीजिए ऐसे करके। और अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें हम 1.5 इंच या 2 इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे, तो आप भी रख लीजिएगा। मैंने ये अस्तर का 17 पे कट किया था और ये जो मैं नीचे का है वो मैं 19 पे कट कर रही हूँ। और ये जो मैंने कमर का भाग जैसा मैंने अस्तर पे लिया था सेम 4.5 इंच पे ही लिया है। मैं उसमें निशान लगा के दिखा देती हूँ, उसमें दिख नहीं रहा है क्लियर। उसका कर्व अपन अस्तर से थोड़ा सा 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। वो 17 पे किया था तो मैंने इसको भी 19 पे किया हुआ है। 19 पे पूरे में राउंड शेप कर लीजिए ऐसे करके, पूरा राउंड कर्व करके। राउंड करके ऐसे आप पूरा चौक से निशान लगा लीजिए, ऐसा पूरा प्रॉपर शेप में आ जाए कर्व में। अब इसकी भी अपन कटिंग कर लेंगे पूरा, हाँ कुछ इस तरह से आप पूरी कटिंग कर लीजिए सेम जैसे आपने निशान लगाए हुए हैं, जैसे सेम कटिंग कर लीजिएगा अब जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसा। ये देखिए, ये कुछ तरह से इस तरह से दिखेगा इसका घेर। ये देखिए, ये फुल सर्कल का अम्ब्रेला घेर है, इसमें मैं आपको अस्तर लगा के दिखा रही हूँ, तो ये कैसा दिखेगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसका फुल सर्कल का घेर दिखेगा, ये राउंड। ये अपन ने नीचे की बॉडी का कट कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी टॉप पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसको आप देखिए, इसके टॉप पार्ट की कटिंग बता रही हूँ, तो आप इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लीजिएगा और ये जो भी आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग दे दीजिए। मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। मैं आपको टॉप पार्ट की मेजरमेंट बता रही हूँ, तो ये मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ, ये कपड़ा ऊपर नीचे था तो इसको स्ट्रेट लाइन कर दी मैंने। अब आप देखिए, इसका शोल्डर ले लीजिएगा, आपको जो भी बच्ची का मेजरमेंट हो उसको शोल्डर ले लीजिएगा। तो ये मेरी ठीक है 11 था, तो मैंने ये 5.5 का शोल्डर लिया हुआ है, तो आप ऐसे 5.5 पे ऐसे निशान लगा लीजिएगा, ये यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा लीजिएगा। अब यहीं से हम 5.5 पे ही आर्म होल का निशान लगाएंगे, 5.5 पे। ये देखिए, ये 5.5 पे ही आर्म होल का निशान लगा लेंगे।
ये 5:30 पे मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया है। और आप देख लिया, आपको दिख रहा है क्लियर उस पर। अब यहाँ से अपन चेस्ट का पार्ट लेंगे, आपका जो भी चेस्ट का पार्ट हो उसमें 2 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। तो मैंने आपका चेस्ट का चौथा करके उसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग दी हुई है, तो मेरा चेस्ट था 28, तो मैंने उसमें 2 इंच का लिया है, तो इस पर 9 आ रहा है पूरा क्लियर, ये 9 आ रहा है। मैंने 2 इंच की लूजिंग रखी है, आप चाहें तो 1.5 इंच की भी लूजिंग रख सकते हैं, मैंने 2 इंच की रखी हुई है। जो भी हो आपका चेस्ट उसमें 4 पे डिवाइड करके फिर आप उसमें 2 इंच की लूजिंग छोड़िएगा। अब यहाँ से अपन लेंथ लेंगे, ये देखिए मैंने लेंथ लेके रखी हुई है, उसमें 1.5 इंच प्लस कर लें, जो भी आपकी लेंथ हो टॉप की उसमें 1.5 इंच प्लस कर लें, टॉप पार्ट की जो भी लेंथ हो उसकी 1.5 इंच प्लस कर लें। मैंने 12 ली थी, उसमें मैंने 13.5 लेके रखी हुई है लेंथ। अब यहाँ पे कमर का भी अपन ऐसे ही करेंगे, जैसे कमर जैसे चेस्ट का चौथा किया था, सब कमर का भी चौथा करेंगे, तो कमर में 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। तो मेरी 26 कमर थी, तो मैंने उसका चौथा किया, तो उसका चौथा आया है 6, और उसमें मैंने 1.5 इंच की लूजिंग छोड़ दी, तो 7.5 आया। इसके से मिला देंगे लाइन से स्केल करके, ये देखिए कुछ इस तरह से देगा। अब अपन इसमें कर्व देंगे, आर्म होल में कर्व देंगे, तो जो भी आपकी आ रहा हो लेंथ उसका हाफ करेंगे, और यहाँ से 1 इंच की गोलाई देंगे, इसका जो भी लेंथ आ रही हो आर्म होल की इसको हाफ करके, ये देखिए आप देख रहे हैं उसमें, और यहाँ पे अपन 1 इंच की गोलाई देंगे, आर्म होल की 1 इंच पर गोलाई देंगे, ये देखिए ये मैंने दे दी 1 इंच की गोलाई, कर्व एकदम राउंड शेप में करके इसको 1 इंच की गोलाई देंगे। अब शोल्डर का यहाँ पे अपना जो भी शोल्डर था उसमें आधा करके उसके गले का कटिंग करेंगे, गले की, तो मैंने ये 2.5 इंच लिया है, और नीचे से 3 इंच लिया है डीप में ऐसे। अब इसको राउंड शेप में दे देंगे, यहाँ से भी 2.5 इंच ले लेंगे, यहाँ से भी 2.5 इंच ले लेंगे, यहाँ से पूरा बॉक्स जैसा करके अब इसमें राउंड शेप बना देंगे राउंड। अब यहाँ पे राउंड शेप देंगे, ये देखिए ये मैंने गले की कर्व दे दिया है गले पे, और जिस 1.5 इंच के आसपास भी ले सकते हैं आप इसको, 1 इंच या 1.5 इंच के आसपास। अब आप इसकी कटिंग करेंगे, जैसा निशान लगाएं सेम वैसी कटिंग कर लें अब आप, ये देखिए। ये कुछ इस तरह से दिखेगा कटिंग करके, ये देखिए आप पूरा ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। अब इस पर अपन मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, सेम उसी को अस्तर को रख के, इसको भी 4 फोल्ड कर लिया है मैंने मेन फैब्रिक को, अब इसको अस्तर को इसके ऊपर रख के, और सेम जैसे आप बॉडी पार्ट की जैसे सेम मैचिंग से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए इसको रख के देखिए आप, नीचे का घेर अटैच करके दिखाती हूँ उसको, इस तरह से दिखेगा, ये देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा कुछ। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग बताऊँगी, इसकी आस्तीन की कटिंग, अम्ब्रेला आस्तीन की कटिंग बताऊँगी। इसको भी मैंने बच्चियों के कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड में त्रिकोण में फोल्ड कर लिया है इसको। अब इसको भी जो आर्म होल अपन ने ली है उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ से इसको ले लेंगे आर्म होल के लिए। 4 फोल्ड में क्या है, तो ये दोनों हाथ की आस्तीन निकल जाएगी, तो जो भी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस कर लें। तो मैंने 9 इंच लेंथ ली हुई है, उसमें 1 इंच प्लस करके पूरा 10 इंच आ रहा है। इसको हल्का सा राउंड शेप कर देंगे ये कुछ इस तरह से, पूरा अम्ब्रेला घेर में आ जाएगी इसकी आस्तीन, अम्ब्रेला घेर में इसकी आस्तीन आ जाएगी, और इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए ये देखिए ये दोनों हाथ की आस्तीन कुछ इस तरह से रहेगी। अब मैं आपको स्टिचिंग बताऊँगी नेक्स्ट पार्ट।